अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, मैं हूँ अबू ज़रज़ाही, तमाम टाइम्स में आपका इस्तकबाल करता हूँ। सोशल जस्टिस फोरम वारंगल की जानिब से मुनाकिद सहाफियों के साथ एक मीटिंग में सोशल जस्टिस के जिम्मेदारों ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि गर्मी के मौसम की शिद्दत और मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के पेश नज़र तेलंगाना रियासत में 10वीं जमात के इम्तहानात को ताखिर ना करते हुए अप्रैल में ही मुनाकिद करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फोरम के नाजिम मालियात मोहम्मद नसीरुद्दीन ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत तेलंगाना इस पर नज़रसानी करें। इस मौके पर सोशल जस्टिस फोरम के सदर वेंकट राजम, नायब सदर विनोद कुमार, जनरल सेक्रेटरी बी रंजीत कुमार और सुधाकर मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन, ट्रेजरर सोशल जस्टिस फोरम, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं हमारे सोशल जस्टिस फोरम के तरफ से। मेरे साथ मेरे प्रेसिडेंट, चीफ एडवाइज़र और सेक्रेटरी और दीगर अफराद मौजूद है। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो एसएससी पब्लिक एग्ज़ामिनेशन जो मई के आखिरी तारीखों पे रखा गया, उसमें वो टाइम पे शदीद धूप के वजह से बच्चे नहीं लिख सकते, उसमें एक प्रॉब्लम है बच्चों को आने जाने सेंटर में, डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता। ये सब मद्देनज़र रखते हुए हमारे सोशल जस्टिस फोरम के तरफ से ये तय किया गया कि एक रिक्वेस्ट के तौर पे हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को ये कहना चाह रहे हैं कि अगरचा ये एग्ज़ाम की डेट प्रीपोन करके हम अगरचा अप्रैल के महीने में रख लिए तो बहुत अच्छा रहता। गवर्नमेंट ये बोल रही कि उनके पास थोड़ा सेंटर का प्रॉब्लम है इंटर और एसएससी के वजह से, इसके लिए हम प्राइज प्राइवेट स्कूल्स के तरफ से भी हम उनको गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने तैयार है सेंटर्स की जगह पे। तो बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चाहे ये एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो गए तो, क्योंकि हमारे को फिर नेक्स्ट अकेडमिक ईयर की भी तैयारी करना पड़ता। ऐसा नहीं कि जो है सो स्कूल्स वाले खाली रहते, मई में जैसा ये एग्ज़ाम्स एसएससी के ख़त्म होते फिर हमारे को नेक्स्ट अकेडमिक ईयर की प्लान करने का रहता, इसलिए ये थोड़ा एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी अगर ख़त्म हो गए तो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे प्राइवेट स्कूल्स के लिए बहुत अच्छा रहता। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी और जो है सो हमारे जो भी चीफ सेक्रेटरी से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के, उन सबसे मेरे एक बार फिर से अदबन गुजारिश है सोशल जस्टिस फोरम के तरफ से के फिर एक बार सोच के अगर चाहे हम एसएससी पब्लिक एग्जामिनेशन को थोड़ा अगर चाहे हम डेट प्रीपोन कर लेके अप्रैल के महीने में अगर चाहे हम ख़त्म कर लिए तो बहुत अच्छा रहता। बल्कि हमारी पूरी टीम के तरफ से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर।